मिस्टर आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 3.1 आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या इसमें मजा आया? नहीं। क्या है मनोरंजक है या नहीं? इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो मानते हैं आफ्ताब की आयु, बराबर x, आफ्ताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु y, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। सात साल पहले तो आफ्ताब की आयु क्या होगी? 7 लाख 60 हज़ार। उसमें से 7 घटा देंगे एक्स माइनस 7 और आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? वाई माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि 7 साल पहले जो आयु थी वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो उसकी पुत्री की जो आयु है उसमें 7 गुना कर देंगे और इसके बराबर x माइनस 7 बराबर 7 गुना y माइनस 7। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। इधर लाएंगे तो x माइनस 7y माइनस का 7 उधर जाके प्लस का बराबर किसके आया? माइनस का 42। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 1। किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ क्वेश्चन को लीजिए दोबारा। क्वेश्चन है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु बता दी, 7 तक गुना नहीं होगा। हाँ कर दी है 7 से गुना। ये माइनस 7 क्यों करा दी? कौन सा ये माइनस 7? 7 साल पहले क्या आयु थी? अगर आपकी प्रेजेंट में ये थी आफ्ताब की अभी वर्तमान आयु, वर्तमान में तो 7 साल पहले 7 माइनस हो जाएगी। अगर मेरी अभी 23 साल उम्र है तो 7 साल पहले 16 साल उम्र थी। 7 साल पहले मेरी उम्र 16 साल थी। इसका मतलब यही है। अब ये आ गया हमारे पास ये समीकरण नंबर 1। अब उसने कहा है कि कितने साल बाद? 3 साल बाद। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 3। आफ्ताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? y प्लस 3। अब 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इसमें 3 गुना कर देंगे और बराबर रख देंगे आफ्ताब की आयु। आफ्ताब की आयु क्या है? x प्लस 3। समीकरण क्या बनेगी? x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। इधर लाएंगे इसको x माइनस 3y प्लस का 3 उधर जाके माइनस 6। समीकरण नंबर 2। ये समीकरण आ गई। अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ। समीकरण को उसमें बना लो इसकी। इसकी समीकरण क्या थी? x माइनस 7 की बराबर 7y माइनस 7 थी, ये थी ना। इसको लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49 x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। यह था ये समीकरण 1 थी, सिर्फ इनकी जरूरत है हमें। अब इसके हिसाब से ग्राफ बन जाएगा। ये दो पिरामिड होंगे। अच्छा ये समीकरण नंबर 2। अब इनके हिसाब से ग्राफ बनाते हैं। हाँ पहले बीजगणित विधि बनानी पड़ेगी इनकी, उसके बाद बनेगा इनका ग्राफ।
तो बीजगणित क्या है, इसकी क्या होगी अगर हम x की वैल्यू रखे जीरो, x y, x की वैल्यू जीरो तो y की वैल्यू माइनस दो, और y की वैल्यू अगर जीरो रखे तो ये जीरो हो गया सारा, क्या हो गया x माइनस जीरो बराबर कितना छह, तो x की वैल्यू आ गई छह। अगर हमने किसकी रखी y की जीरो तो x की छह। अब इसका अगर हम सोल्व करें तो इसका क्या होगा, x की जीरो रखे x y, x की वैल्यू जीरो तो y की वैल्यू माइनस से माइनस कट गया, ये जीरो हो गया, देखो जीरो माइनस सात वाई बराबर माइनस बयालीस, माइनस से माइनस कट गया सात उधर जाएगा तो बटे में y की वैल्यू आ गई छ, x की वैल्यू जीरो तो y की वैल्यू छ, और y की वैल्यू जीरो तो x की वैल्यू बयालीस, y की वैल्यू जीरो तो ये माइनस का बयालीस हो गया, ठीक है। अब ये हमारी होगी दो इक्वेशन की बीजगणित है। अब इसमें देखना है क्या क्या है, छ है एक्स में और वाई में है दो माइनस दो, एक्स में मैक्सिमम है प्लस का छह और मिनिमम है माइनस का बयालीस, इधर वाली ये एक्स में माइनस बयालीस, ठीक है। तो छह छह का गैप ले लेंगे इस प्रकार से, छह छह बारह बारह अठारह छह अठारह चौबीस छह चौबीस तीस, बस इतना ही बहुत है क्योंकि छह ही है मैक्सिमम, तो प्लस में दो बयालीस माइनस में बयालीस है, माइनस छह माइनस छह और माइनस माइनस बारह माइनस अठारह माइनस चौबीस माइनस तीस माइनस तीस माइनस छत्तीस माइनस छत्तीस और माइनस बयालीस माइनस बयालीस। अब वाई में क्या है, ये वाई प्लस ये वाई माइनस, यस नीचे वाले में ज्यादा वैल्यू चाहिएगी नहीं चाहिए, इसमें तो छह ही है मैक्सिमम, तो वाई में है मैक्सिमम छह, यहाँ छह और वाई में कितनी है माइनस दो, तो माइनस दो ज्यादा से ज्यादा यहाँ हो जाएगी, ठीक है माइनस दो। अब क्या क्या मैच करना है, छह और माइनस दो, प्लस का छह और माइनस का, हाँ एक्स का प्लस का छह और वाई का माइनस दो, ये एक्स प्लस होता है ये एक्स माइनस होता है, तो ये दो और ये छह ऐसे मिल रहे, ठीक है। और x में माइनस बयालीस और y में प्लस छह, ये माइनस बयालीस और प्लस छह ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे मर बना ग्राफ बन गया सूत्र समझ आया, ठीक है यही बताना था। नेक्स्ट क्या है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में तीन बल्ले और सात गेंदे खरीदी, तो माना माना गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य है x और बल्ले का मूल्य है y, बल्ले का मान लेते हैं y, y a बल्ले का मूल्य है y। अब क्रिकेट कोच ने 3900 रुपए में तीन बल्ले प्लस और क्या खरीदा, छह गेंद खरीदी, कितने रुपए में 3900 में, तो तीन बल्ले, बल्ले मतलब वाई, बल्ले मतलब वाई और गेंद मतलब एक्स, तो छह एक्स बराबर 3900, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है प्रश्न के अनुसार। और दूसरी चीज क्या है कि उसी प्रकार की तीन गेंदे एक बल्ला और तीन गेंदे 1300 रुपए में खरीदी, एक बल्ला प्लस तीन गेंद कितने में खरीदी 1300 में, एक बल्ला यानी कि एक एक्स एक आगे लिखते नहीं, प्लस तीन गेंद सॉरी हाँ बल्ला है वाई ना कि एक्स, एक वाई प्लस तीन गेंद, गेंद का मूल्य कितना है एक्स बराबर 1300,
ये समीकरण दो, ये समीकरण एक। अब पहले वाला, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, बट लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, हम कोई सा भी आगे पीछे लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू, अगर हमें एबीसी निकालना हो, ठीक है, तो पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, असलियत में समीकरण वो होती है, बट लेकिन यहाँ पे सिर्फ बीज गणित करना है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं। अब x और y समीकरण एक का बना रहे हैं, मान लीजिए x की वैल्यू रखी जीरो, जीरो, तो y की वैल्यू 1300, 1300, हाँ, और अगर y की रखी जीरो तो x की वैल्यू, y की जीरो यानी कि ये खत्म, क्या बचा 6, x बराबर 3900 बचा, yes. तो x की वैल्यू 3900 बटे 6, 1300 बटे 2, 3 के साथ काटा, 3 13 39 होता है 00 बटे में 2, फिर 2 से काटेंगे 650, या आप डायरेक्ट 6 से काट सकते थे इसको, ठीक है, 6 6 36 बचा कितना, 3 3 और 0 30, 6 30 0 0, एक्स की वैल्यू आ गई 650। अब समीकरण 2 का बीजगणित है, यस सर, 2 का है ये, एक वाई, एक लिखने की आगे जरूरत नहीं होती, yes, ठीक है, तो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू जीरो रखी तो ये जीरो, क्या बचा खाली वाई, और 1300, एक्स की वैल्यू रखी जीरो तो क्या बचा खाली वाई बराबर 1300, कोई दिक्कत भाई उमेश? अब वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्या बचा खाली 3x बराबर 1300 बचा, जब y की जीरो रख दी, ये जीरो हो गया, क्या बचा 3x बराबर 1300, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1300 बटे 3 यानी कि 433.3, ये आ गई वैल्यू। अब इनका बनाएंगे ग्राफ, ग्राफ में क्या है, 50-50 का गैप ले लेंगे, नहीं 100-100 का ले लेंगे, क्या मर्जी है, आसान भाई, 200-200 का ले लो, तो नहीं नहीं 200 का ले लो, कौन था, एक भी किसको का ले लेंगे, अंदाजा मार लेंगे, 12 ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, माइनस का तो इंग्लिश में उसको सीधी बात है, जो कि एक्स वाई माइनस का तो इंग्लिश में कुछ की बात है, एक्स डैश है जीओ, ये एक्स एक्स डैश, ठीक है, वाई, ठीक है, ओके, अब किसके साथ करना है, 650 की 1300 के साथ मैचिंग करनी है, एक्स में 650 और वाई में 1300, 650 का आएगा 800 और 600 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे मान लिया हमने 650 है, ठीक है, और वाई में कितना है 1300, 1300 यहाँ पे 1200 और 1400 के बीच में, इसको मिला देंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे हो गया, ठीक, और अब नेक्स्ट क्या मिलाना है, नेक्स्ट 433.3 और 1300, वाई में 1300 यहीं पे मिलेगा और एक्स में 433 यहाँ पर हो गया, ठीक है, मान लो टेप से बराबर कम हो जाए, ऐसे बन गया, बस हो गया, चलो नेक्स्ट, थर्ड सम में क्या है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, माना सेब का मूल्य,
सेब का मूल्य है x और अंगूर का मूल्य है y, अंगूर का मूल्य है y। अब 2 किलो सेब, दो किलो सेब, 1 किलो माना है, 1 किलो सेब नहीं, 2 किलो है ना, क्या सेब, दो किलो है सर, कोई बात नहीं, हमने माना 1 किलो सेब का मूल्य है, 1 किलो अंगूर का मूल्य है, ऐसे माना, ठीक है। तो 2 किलो सेब और क्या है 1 किलो अंगूर प्लस 1 किलो अंगूर, बराबर कितना है 160। तो 2 किलो सेब का मूल्य कितना है x जमा 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है y बराबर कितना 160। समीकरण 1 आगे लिखने की जरूरत नहीं होती, नहीं गलत भी होने का, बट बच्चों वाला खेल देखो, बच्चों वाला समझ रहे हो आप। आगे 4 किलो सेब, फिर और कितना लिया है 2 किलो अंगूर लिए हैं, उसका मूल्य कितना है 300, ये अंगूर है, ठीक है, ठीक है। तो 4 किलो सेब, 4 किलो सेब का मूल्य कितना है जमा 2 किलो अंगूर, 2 और किलो अंगूर का मूल्य कितना है वाई बराबर 300, ये समीकरण नंबर 2। अब इनके इनका बीजगणित बनाएंगे, एक का x का 0 y की 160 वैल्यू इक्वल टू में उसका x y x 0 तो y की वैल्यू 60, ये सारा 0 हो गया, क्या बचा y बराबर 160, y की वैल्यू 0 तो x बराबर बचा 80। यस सर, समीकरण 2 2 के लिए बनाएंगे, यस x को 0 रखा तो 2 बटा 150 x की वैल्यू 0 0 तो y की वैल्यू 150, x की वैल्यू 0 ये 0 हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 150, यानी कि 2y बराबर 300 तो y की वैल्यू 2 बटे में चला जाएगा 300 बटे 2 यानी कि 150। अब y की वैल्यू 0 रखेंगे अगर तो x की वैल्यू 300 बटे 4 होता है 75, ये 0 हो गया तो क्या बचा 4x बराबर 300, x बराबर 300 बटे 4 यानी के 75। जब y की दरी 0 तो x की वैल्यू आई 75, ये समीकरण नंबर 2 का ग्राफ जो बनेगा इसका, हाँ सभी का ग्राफ बनाना है, इसमें खुशी की बात है, माइनस भी है, बहुत खुशी की है जी, x की वैल्यू है मैक्सिमम 80, बीस बीस का गैप ले लेते हैं, 20 40 60 80 y में 20 40 60 80 120 140 160 80 और 160 को मैच करना है, x में 80 और y में 160, इसको मिला देंगे ऐसे, x में 75 और y में 150, तो x में 75 यहाँ पे होगा, हाँ सर यही यहाँ है, ठीक है, और y में 150 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिला रहा है इसको, कूटा लेगा मुखा जी, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं भाई, आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल ओके बनेगा। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लाइक एंड कमेंट।
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।